मैं हूं नफीसा खान, स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में। दोस्तों, बॉलीवुड की गॉर्जियस, चार्मिंग और टैलेंटेड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका जादू आज भी कायम है। उन्होंने अपनी खूबसूरती और अपनी डांसिंग से लाखों दिलों को जीता है। दिल तेजाब, दिल तो पागल है, त्रिदेव, राम लखन, हम आपके हैं कौन, देवदास जैसी कई बेशुमार हिट फिल्में दे चुकी माधुरी दो बच्चों की माँ हैं और आज भी इस उम्र में भी वो काफ़ी लगन से अपना हर काम करती हैं। वो डांस फिल्म के अलावा रियलिटी शोज में भी नजर आती हैं। पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी माधुरी दीक्षित का डाइट प्लान क्या है और वो कैसे खुद को फिट रखती हैं, आइए आज यही जानते हैं। माधुरी सुबह उठते ही सबसे पहले मॉर्निंग वॉक पर जाती हैं और जब वो लौट कर आती हैं तो एक हल्का सा लाइट ब्रेकफास्ट लेती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम और प्रोटीन ज़्यादा होता है। माधुरी दीक्षित फिट रहने के लिए हर दो घंटे में कुछ ना कुछ खाती हैं। डाइट में वो सबसे ज़्यादा हरी पत्ते वाली सब्जियां और फलों को शामिल करती हैं। माधुरी अपनी डाइट में शिमला मिर्च ज़रूर शामिल करती हैं क्योंकि उनका कहना है कि शिमला मिर्च में फाइबर होता है जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर ब्लड प्रेशर और हार्ट को कंट्रोल में रखता है। माधुरी अपने फिटनेस को बरकरार रखने के लिए जापानी डाइट पसंद करती हैं। वो खाने में उबला, भुना, सेका या फिर हल्का तला खाना पसंद करती हैं। यही वजह है कि वो टोफू, मिक्स सब्जियां और मशरूम को जापानी कुकिंग स्टाइल में पकाकर खाती हैं। इसके अलावा माधुरी को हर्बल चाय काफ़ी पसंद है और इसका सेवन वो सुबह और शाम दिन में दो बार ज़रूर करती हैं और ख़ुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए नारियल पानी भी पीती हैं। माधुरी सुबह के नाश्ते की शुरुआत दलिया से करती हैं या फिर तीन उबले अंडों का सफ़ेद हिस्सा वो लेती हैं। इसके बाद वो एक टोस्ट और हर्बल टी लेना पसंद करती हैं। आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित दिन में दो बार चाय ज़रूर पीती हैं और इसके बाद वो लंच से पहले फल के साथ बादाम या फिर दही खाना पसंद करती हैं। बात करें अगर लंच की तो लंच में माधुरी चिकन का पीस खाती हैं, कुछ सब्जियां लेती हैं या इसके साथ ही वो रोटी और चावल लेना पसंद करती हैं। उनका मानना है कि अगर आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं तो आपको अपनी डाइट में कार्ब्स को ज़रूर शामिल करना चाहिए, यह आपको ढेर सारी एनर्जी देता है। शाम के नाश्ते में एक बार फिर से वो अंडे का सफ़ेद हिस्सा लेना पसंद करती हैं। इसके अलावा बात करें अगर डिनर की तो कई सारे सेलिब्रिटीज़ की तरह ही माधुरी 7:30 बजे तक अपना डिनर पूरा कर लेती हैं। डिनर में वो सलाद, ग्रिल चिकन या फिर सब्जियां लेना पसंद करती हैं। इसके अलावा ख़ुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए वो नारियल पानी का सेवन भी करती हैं और इसके साथ ही वो दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती हैं। तो इस तरह का डाइट रूटीन है माधुरी दीक्षित का। बात करें अगर उनके वर्कआउट की तो माधुरी सुबह सवेरे वॉकिंग के लिए जाती हैं। जिम जाना उन्हें पसंद नहीं है, वो खुद को फिट रखने के लिए आउटडोर एक्सरसाइज, रनिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करती हैं। रोज़ 15 से 20 मिनट तक वो योग भी करती हैं और हफ्ते में 4 से 5 दिन वो डांस यानी कि कथक की प्रैक्टिस भी करती हैं। उनका मानना है कि डांस से उन्हें ढेर सारी एनर्जी मिलती है, साथ ही साथ पॉजिटिविटी और खुशी भी मिलती है। इसके अलावा वो ये भी मानती हैं कि किसी भी तरह का नृत्य शरीर, दिमाग और आत्मा को ताज़ा करता है। अगर कोई जिम नहीं जाता तो वो डांस करके खुद को फिट रख सकता है। बात की जाए अगर उनकी ग्लोइंग स्किन की तो इसका श्रेय वो अपनी भरपूर नींद को देती हैं। वो कहती हैं कि 8 घंटे की नींद हर किसी को लेनी चाहिए, इससे आपके मन मस्तिष्क को शांति मिलती है और आप में एक फ्रेशनेस बनी रहती है जो आपके चेहरे पर भी नज़र आती है। तो इस तरह 53 साल की उम्र में भी माधुरी खुद को खूबसूरत और फिट बनाए हुए हैं। उम्मीद करते हैं उनके बारे में ये खास जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को और देखते रहें जीवन कोश।